5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी को हर हालत में सत्ता से बेदखल करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। मायावती ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों को लेकर और बीजेपी की बुरी तरह हार पर कहा कि बीजेपी अपनी जनता विरोधी नीतियों के चलते हारी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करना था, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पार्टी इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, हालांकि हमने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी बीजेपी की किसी भी हालत में सरकार नहीं बने, इसलिए बीएसपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला कर लिया है। मायावती ने छत्तीसगढ़ को लेकर कहा कि वहां पर उनका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन था, लेकिन चुनाव से कुछ ही दिन पहले अजीत जोगी के दिए गए बयान की वजह से उनका सारा वोट कट गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, जिसके बाद हमने सफाई भी दी, लेकिन जनता तब तक बहक गई और इसी का नतीजा रहा कि गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस फुल बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। आपको बता दें, अजीत जोगी ने चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात कह दी थी, जिसके बाद मायावती ने अजीत जोगी के इस बयान को लेकर कहा था कि वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।